हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। तो जैसा कि दोस्तों जुलाई का महीना चल रहा है और मॉनसून जो है दोस्तों वो हर जगह पे अभी आ चुका है। बारिश जो है दोस्तों वो सारे ही क्षेत्र में हो ही रही है, छोड़ छोड़ के हो या फिर जो है दोस्तों डेली ही हो, लेकिन बारिश हो रही है। और ये गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों, ये बारिश वाला पौधा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इसको बारिश की पानी मिली है वैसे ही इसमें बहुत ही अच्छी खासी नई नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। इसकी ग्रोथ जो है दोस्तों वो बहुत ही तेजी से अभी हो रही है। तो अभी आपको अपने गुलाब के पौधे को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन भी देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों, और तो और इसकी केयर भी बहुत ही अच्छे से करने की आवश्यकता है। अगर आप इसकी अच्छे से केयर अभी नहीं करोगे तो इसमें जो भी नई ग्रोथ आ रही है दोस्तों वो अच्छे से हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। फिर वो जो है दोस्तों आगे जाके उसके ब्रांचेज मोटे नहीं होंगे तो फिर वो फ्लावरिंग भी अच्छे से नहीं करेंगी, क्योंकि गुलाब का सीजन आने में और ज़्यादा मंथ नहीं बचा है दोस्तों। नवंबर से या फिर सितंबर से गुलाब का मंथ आ जाता है, गुलाब के सीजन आ जाते हैं, गुलाब में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। तो अभी से ही आपको अपने गुलाब के पौधे को हेल्दी बना के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा संपूर्ण जानकारी दूंगी, आपको एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ जो आपके गुलाब के पौधे को बिल्कुल ही हेल्दी बना देगा और आपके गुलाब के पौधे में उससे जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आएगी और आपका गुलाब का पौधा बहुत ही अच्छा खासा बम्फर फ्लावरिंग भी करेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे गुलाब के पौधे का ग्रोथ, मेरे गुलाब के पौधे में कितनी अच्छी नई नई ग्रोथ आ रही है और मेरा जो सारा ही गुलाब का पौधा है वो बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी भी बना हुआ है। देख सकते हैं कितनी अच्छी एकदम बड़ी बड़ी साइज की कलियाँ बन रही है, यहाँ देख सकते हैं फ्लावरिंग भी हो रही है, इधर से भी देख सकते हैं फ्लावर्स आ रहे हैं। होल ओवर पौधा का ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छा खासा है। और गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों वो एक सेंसिटिव पौधा होता है, तो उसमें अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हो तो वो जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाता है। इसलिए हमें गुलाब के पौधे की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करने की भी आवश्यकता होती है। तो देखभाल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस समय समय पे आपको पानी देते रहना है, पौधे की मिट्टी ज़्यादा ना सूखे इस बात का अभी आपको ध्यान देना है। और तो और जो है दोस्तों, जैसा कि अभी जो है वो मॉनसून का टाइम चल रहा है तो बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो पौधा का मिट्टी ज़्यादा चिपचिपा भी ना रहे इस बात का आपको ध्यान देना है। तो उसके लिए आप अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई समय समय पर करते रहें, और तो और जो है दोस्तों आप क्या करें, आप जो है दोस्तों अपने गमले का ड्रेनेज अच्छा कर लें। तो ये जो छोटा ही थोड़ा बहुत टिप्स मैंने आप सभी को बताया, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि न्यूट्रिशन आपको क्या देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों न्यूट्रिशन के तौर पे हमने यहाँ पे सारा ही चीज़ ले लिया है। तो चलिए यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको कि यहाँ हमने किन किन चीज़ों को लिया हुआ है और ये क्या क्या हैं और इसके हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको हमें अपने पौधे में कैसे देना है। तो जो सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों वो ये है, ये क्या है दोस्तों, ये है बर्मी कॉम्पोस्ट। ये अच्छे से डिकम्पोज्ड हुई बर्मी कॉम्पोस्ट है। आप इसके जगह पे काउडंग कॉम्पोस्ट या फिर जो है दोस्तों आप इसके जगह पे किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट भी ले सकते हो। तो यहाँ हमने बर्मी कॉम्पोस्ट लिया हुआ है कम से कम डेढ़ मुट्ठी। उसके बाद यहाँ हमने जो दूसरा चीज़ लिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी जो है वो सारे ही लोगों के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का काम करता है। ये हमारे पौधे में किसी भी तरह की अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं तो उनको भी हटा देगा, फंगस वगैरह भी नहीं लगने देगा। और यहाँ जो हमने तीसरा चीज लिया हुआ है ये ब्लैक कलर के दाने, ये देख सकते हैं ये क्या है, ये है दोस्तों DAP। DAP जो होता है दोस्तों ये डाई एमोनियो फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। ये नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और नर्सरी वाले लोग इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इसीलिए नर्सरी आप कभी भी विजिट करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग कर, वहाँ के पौधे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग भी करते हैं। तो नर्सरी वाले जो इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो ये DAP का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं। बस ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है तो इसको आपको सही क्वांटिटी में इस्तेमाल करने आना होता है, तभी आप सही क्वांटिटी में इस्तेमाल करोगे तो इसका रिजल्ट आपके पौधे में बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलता है। और जब भी मैं DAP से कोई भी वीडियो रिलेटेड शेयर करती हूँ तो सारे ही लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि DAP क्या होता है। तो ये इसको इंग्लिश नेम में डाई
एल्युमिनियोफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। और तो और जो है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा उर्वरक है, आपको कहीं भी जो है वो सीड्स वगैरह जिस दुकान पे मिलते हैं या फिर खाद वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह जिस दुकान पे मिलते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगा। उसके बाद जो यहाँ हमने चौथा चीज लिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये जो है ये है सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड ग्रेन्यूल भी जो होते हैं इसके फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग के में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल होते हैं। ये कोई भी फ्रूट्स के प्लांट में फ्रूट्स के को बढ़ावा देने में या फिर फ्लावर्स के प्लांट में फ्लावर्स को बढ़ावा देने में बहुत ही अच्छा खासा रोल प्ले करता है, इसलिए आप सीवीड ग्रेन्यूल का भी इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। उसके बाद यहाँ जो हमने पांचवा चीज लिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये है अंडे के छिलके का, जो हमने क्या किया है इसको सुखा के अच्छे से चूरा चूरा कर लिया है। तो ये जो है दोस्तों ये है एक्सेल्स फर्टिलाइज़र। आप अगर अंडा नहीं खाते हो तो आप इसके जगह पे चूना का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर जो है आप इसके जगह पे कैल्शियम की गोली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। और तो और अभी हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी नई नई ग्रोथ आती है, उसमें नई नई ब्रांचेस आती है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसको कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स मिलेगा, तो जो भी नई ग्रोथ आएंगी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आएंगी। इसलिए कुल मिला के हमने इतने चीज़ों को लिया हुआ है और इसका एक बहुत ही बेहतरीन शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बना के हम तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ हमने एक चम्मच मेजर करके ही लिया हुआ था एक्सेल्स फर्टिलाइज़र। आप क्या कर सकते हो, इसको पाउडर के फॉर्म में मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से मिक्स करके और फिर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है और तो और इसको दे दिया है। और यहाँ हमने एक चम्मच जो है वो मेज़र करके हल्दी पाउडर भी लिया हुआ था। और यहाँ देख सकते हैं ये जो है ये कम से कम 8 से 10 दाने होंगे। तो यहाँ हमने 2 गमले के लिए, मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ तो 2 गमले के लिए 10 दाना ही जो है वो काफ़ी है। तो यहाँ हमने 10 दाना लिया हुआ है और इसका भी जो है हम लोग 10 दाना ही इसमें लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से मेजर करके 10 दाना ले लेंगे और इसको साइड करके हटा देंगे। और ये कुल मिला के जो फर्टिलाइजर बन के तैयार होगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइजर बन के तैयार होगा, आपके पौधे की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देगा और आपका पौधा बरसात में किसी भी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं फेस करेगा, ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी खासी उसमें आएगी और फ्लावरिंग भी भर भर के वो करेगा। गीली मिट्टी जिसके यहाँ पे हो वो भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं करेगा। और अभी बरसात में सारे लोग यही डाउट करते हैं कि हमारी मिट्टी गीली है तो हम लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें या ना करें, तो गीली मिट्टी के लिए भी ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हो दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइजर है। और जिनकी मिट्टी सूखी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से मैं आपने जो है दोस्तों वो 8 इंच के गमले में इसका बना के आप सभी को बताई हूँ। अगर आपका गमला बड़ा हो तो आप जो है इसको 2 मुट्ठी एक गमले में दे सकते हो। तो इस तरह से हमने इसको दे दिया है और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मिट्टी में मिला देंगे। उसी तरह से इसकी भी देख सकते हैं हमने गुड़ाई की हुई है, तो इसमें भी जो है मैं इस तरह से 1 मुट्ठी दे दूंगी। ये मैं 2 मुट्ठी 1.5 से 2 मुट्ठी के मेजरमेंट से ही बनाई थी दोस्तों, तो 2 गमले के मेजरमेंट से बनाई थी। तो ये मेरे दोनों ही गमले में बहुत ही अच्छे से हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर से मैं इसमें पानी दे दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा गमला का मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छे से सूखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 दिन जो है वो लगातार बारिश हुई थी, उसके बाद कल भी बहुत ही अच्छा खासा धूप आया हुआ था और आज भी जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा खासा धूप आया हुआ है, इसलिए गमले को पानी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ मैंने कटिंग लगाया हुआ था तो ये इस कटिंग का ग्रोथ देख सकते हैं कितना अच्छा इस कटिंग में ग्रोथ हो रहा है। और DAP का इस्तेमाल हमने अपने गुड़हल में भी किया हुआ था दोस्तों, अपने गुड़हल में करके भी वीडियो डाला हुआ था, उसका लिंक अगर आप चाहो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो या फिर जो है दोस्तों आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। तो देख सकते हैं उसका रिजल्ट, फ्लावर्स कितने बड़े बड़े साइज के और कितने अच्छे एकदम आ रहे हैं। तो इसी तरह से मैं अपने पौधे की केयर भी करती हूं और अपने पौधे को न्यूट्रिशन भी देती हूं। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।